Hello, good morning. So today we are going to do the revision of maths written. तो आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ फुल मैथ्स रिटन का रिवीजन. राइट नंबर्स 1 to 30, जो कि आपको 1 to 30 बहुत सिंपल है लिखना. जो कि हमको नंबर सॉन्ग इजीली आता है तो हम वो सिंग करते करते ही लिखेंगे. जैसे कि 1 2 3 4 5 बॉक्स छोड़ने नहीं है, डायरेक्टली लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. सो होप आपको 1 to 30 गाना गाते गाते बहुत सिंपली लिखना आ जाएगा. तो अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो है मिसिंग नंबर्स. मिसिंग नंबर्स ये भी बहुत सिंपल है, इसे भी हम नंबर सॉन्ग से ही लिख सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एक बात हमें याद रखनी है कि हम यहाँ पे नंबर्स लिख चुके हैं, तो अभी जब हमें मिसिंग नंबर्स लिखने हैं हमें यही नंबर्स को लिखना है. यहाँ पर हमने नंबर्स लिखे थे स्टैंडिंग लाइन में, तो अभी यही नंबर्स हमको गा के लिखने हैं, मिसिंग नंबर्स लिखने हैं. कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ नंबर्स नहीं दिए हुए हैं, तो हम जब भी सॉन्ग गाएंगे हमको पता चलेगा कि इसमें कौन से नंबर नहीं दिए हुए, तो हमें गाते गाते स्लिपिंग लाइन में लिखने हैं. ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. तो जो नंबर्स नहीं लिखे हुए जो हमने, हमको वही लिखने हैं. मैं खाली एक ही लाइन आपको लिख के बताऊंगी ऐसे 1 2 3 4 5. सिमिलरली आपको सारा पेज कर रहे हैं. ओके, सो अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो है हमारा जीरो का टेबल, टेबल ऑफ जीरो. जीरो का टेबल हमें ओरली बोलते बोलते लिखना है. जीरो वंस आर जीरो, यू डोंट हैव टू लीव द बॉक्स. जीरो टूज आर जीरो. इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम लिखे, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको बॉक्स जो भी दिया रहेगा उसे टच करके लिखना है सारे जगह पर, भले वो आपके नंबर्स हो या मिसिंग नंबर्स हो, टेबल हो. आपको अपनी हैंडराइटिंग अच्छी लिखनी है. अगर आप ऐसे लिख रहे हो बॉक्स के ऊपर तो आपके मार्क्स कट होंगे, आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे. अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको हैंडराइटिंग ऐसे टच करके लिखना होगा, बिकॉज अभी आप LKG में हो. ओके, तो सिमिलरली यू विल राइट फुल टेबल ऑफ जीरो बाय सिंगिंग टेबल ऑफ जीरो. तो नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, विच इज ड्रॉ द बॉल्स. इट इज वेरी सिंपल, कुछ नंबर दिए होंगे आपको, उसके बाजू में बॉल्स बनाने हैं जितना नंबर दिया होगा. ओके, तो देखो ड्रॉ द बॉल्स, आपको नंबर्स दिए हैं ना, तो उसके बाजू में आपको बॉल्स बनाने हैं, ड्रॉ करने हैं. ओके, 7 दिए हैं तो आपको कितने बॉल्स बनाने हैं, 7. स्लोली स्लोली यू हैव टू टच द बॉक्स एंड ड्रॉ. 1 2 3 4 5 6 7. सिमिलरली यू विल ड्रॉ 4 बॉल्स, 3 बॉल्स, 6 बॉल्स, 5 बॉल्स. ओके, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज काउंट एंड सर्कल. वहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स बना के दिए हैं, आपको उसे काउंट करना है और करेक्ट नंबर को क्या करना है, सर्कल. तो आप देख सकते हो यहाँ पर काउंट एंड सर्कल बोला गया है. ये क्या है, ट्राइंगल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल काउंट ट्राइंगल्स. 1 2 3
4, 5, 6. So we will circle 6. Similarly, you will count the given objects and you will circle the number according to the given objects. Okay. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कलर द बॉल्स. ये भी बहुत सिंपल है. बॉल्स ज़्यादा बना के दिए होंगे, हमें उतने ही बॉल्स को कलर करना है जितना हमें नंबर दिया होगा. ओके, सो यू कैन सी नंबर एंड बॉल्स. सो वी विल कलर द बॉल्स अकॉर्डिंग टू द गिवन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंट एंड मैच. यू हैव टू काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड यू हैव टू मैच विद द करेक्ट नंबर. स्पॉट एंड सर्कल द गिवन नंबर. एक नंबर दिया होगा आपको, वही नंबर इधर पहचानना है और उसे सर्कल करना है. नंबर दिया होगा वो नंबर इधर ढूंढना है और उसे सर्कल करना है. ओके, काउंट करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ढूंढना है वेर इज 10, 10, 10, 10, 10. So we will match the objects with the number 10. Okay. Similarly, you will match all the objects, spot and circle. So hope. अभी आपको मैथ्स रिटन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आप सारा रिविजन अच्छे से कर लोगे without any difficulty. You will do the maths revision of all the topics. Bye.